हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार का समान परिचय। अगर आप बीपीएससी या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एनफोर्समेंट दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय जो आने वाली वैकेंसी है उसकी, या फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड या बिहार पुलिस या बिहार एस्टेट, यानी कि इसके अलावा भी बिहार के जो भी एग्जाम है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इससे आपको अक्सर एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार से रिलेटेड और समान जीके यानी बिहार जीके का वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बिहार की स्थापना। तो देखिए, बिहार का स्थापना में सबसे पहले इसका नामकरण आता है, तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसे बिहार नाम पड़ा। और इसका स्थापना दिवस यानी बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है अपना स्थापना दिवस, यानी बिहार राज्य का गठन दिवस 22 मार्च है और इसे ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा जो राज्य थे बंगाल से अलग होके एक नए राज्य के रूप में आए थे, लेकिन जो इसकी 22 मार्च 1912 ईस्वी में प्रांत गठित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, इसीलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में एक एग्जिस्टिंग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग राज्य के रूप में इसे विभाजित कर दिया गया था। आगे चल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी कि बिहार का टोटल 46% भाग को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो यानी कि बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के रूप में बिहार से ये एक और राज्य निकला। उसके बाद आप देखेंगे बिहार की सिचुएशन, तो बिहार का सिचुएशन इंडिया के मैप में यहाँ पे पड़ता है जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के में आता है, यानी इसे आप कह सकते हैं, देखिए ऊपरी भाग नॉर्थ और ये ईस्ट की तरफ। तो बिहार का जो सिचुएशन है करंटली वो भारत में नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार का समान परिचय। इसमें भौगोलिक तथ्य हम देखेंगे, भौगोलिक तथ्य में अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और इसमें 3 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि जो आपका उत्तरी अक्षांश जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो 3 डिग्री है। और उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में, यानी 5 डिग्री का अंतर है, यानी कि आपका जो ये है इसमें 5 डिग्री के अंतर आएगा। आप मैप में देख सकते हैं, फिजिकल मैप में। और उत्तर बिहार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 445 किलोमीटर पड़ता है, ये आपका डाटा याद रखना है। उत्तर से दक्षिण, देखिए ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ और इधर वेस्ट और ईस्ट, आप मैप में जानते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ जो है यानी कि उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से लेके, और आपका जो लास्ट ये सिचुएशन होगा यहाँ तक 345 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और पूर्व से पश्चिम यानी कि जो ये ईस्ट से वेस्ट यानी पश्चिम तक ये आपका 483 किलोमीटर पड़ता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर है और ये देश का 13वां राज्य है। ये 13वां राज्य हम तब कह रहे हैं जब तेलंगाना की स्थापना के बाद 13वां स्थान इसका है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद ये देश में 12वां स्टेट है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां राज्य है और शहरी क्षेत्रफल जो इसका है बहुत कम है, 1095.49 किलोमीटर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार के क्षेत्रफल में है, तो ये है 2.86%, यानी भारत का टोटल 100% अगर क्षेत्रफल है उसमें से बिहार का जो जमीनी जो क्षेत्रफल है वो 2.86 किलोमीटर है, लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो 8.6% जनसंख्या बिहार में
निवास करती है टोटल भारत का, यानी टोटल भारत का जनसंख्या 8.6% बिहार में रहती है, लेकिन इसके पास जमीन कितना है 2.86%। जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत 2.4% भारत का भाग है, यानी क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो 17.5% निवास करती है पूरे वर्ल्ड का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट राजकीय प्रतीक की बात करेंगे। तो प्रतीक में आपको राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष आपको पता होगा, राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन देखिए द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को मिला हुआ है, ठीक। तो उर्दू भी हमारा राजकीय भाषा है, यानी दूसरा राजकीय भाषा है। उसके बाद राजकीय पशु बैल है, राजकीय पंक्षी गौरैया है। मैंने इस पे राजकीय प्रतीक पे, बिहार के राजकीय प्रतीक पर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लें और डिटेल में आपको पता चल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है, और राजकीय मछली मांगूर मछली है। उसके बाद देखते हैं औसत वार्षिक वर्षा जो होती है एवरी ईयर, वो 1205 मिलीमीटर होती है। वन क्षेत्र जो है आपको पता है एवरी दो साल पे जो वन क्षेत्र जो भी स्टेट का होता है वो चेंज होते रहता है। तो 6.87 वन है बिहार में कुल क्षेत्रफल का, ये 7.75 ये डिक्रीज कर गया है जो नया डाटा 2020 में आई है उसके अकॉर्डिंग। सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है बिहार का, और सर्वाधिक गर्म जल कुंड ब्रह्मा कुंड है, और सर्वाधिक विस्तृत मृदा यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी है मृदा। और सर्वाधिक प्रमुख खाद फसल की बात की जाए तो चावल है, यानी कि बिहार चावल का प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद बात करते हैं इसके सीमावर्ती राज्य और देश। तो देखिए सीमावर्ती देश की बात की जाए तो एक देश है नेपाल, जिससे बिहार राज्य का सीमा टच करता है, इसका बाउंड्री टच करता है, बाकी बिहार भारत के अलग अलग राज्यों से सटता है। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य से कितने बिहार के जिले टच करते हैं, और उसके साथ कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड से इसमें से कौन सा राज्य नहीं टच करता है। इस तरीका से आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बिहार बंगाल जो बिहार है बंगाल से सटता है पूर्व में, यानी बिहार के पूर्व में जो ये ईस्ट हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो जो ईस्ट है बिहार जो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और इससे तीन जिले ऐसे हैं जो कटिहार पूर्णिया और किशनगंज, ये आपको पश्चिम बंगाल से इनकी बाउंड्री सटता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो यानी वेस्ट में। इससे 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सटते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट पश्चिम बंगाल, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, आप यहाँ रख सकते हैं कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, और लास्ट में है रोहतास। उसके बाद झारखंड जो है दक्षिण में बिहार के पड़ता है, और दक्षिण में 8 जिले ऐसे हैं बिहार के जो झारखंड से इनकी बाउंड्री टच करता है, जिसमें है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। सीमावर्ती देश नेपाल जो है, नेपाल से बिहार के 729 किलोमीटर लंबी सीमा है, और ये 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो नेपाल के बाउंड्री से शेयर करते हैं, जिसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहाँ आप देख सकते हैं किशनगंज, अररिया, ये अररिया हो गया, उसके बाद सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, और ये पश्चिमी चंपारण हो गया। ये टोटल जो राज्य हैं, राज्य के जिले हैं, वो टच करते हैं अपनी बाउंड्री यानी शेयर करते हैं यहाँ पे नेपाल जो है कंट्री उसके साथ। तो ये वीडियो आपको मैंने बिहार के एक समान परिचय देने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहा है, और आपके लिए बिहार पे स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊंगा तुरंत, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का लिंक वहां भी मिल जाए। अगर आप यूट्यूब चैनल से नहीं देख पाए कभी तो आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।